देख रहे हैं बिहार की आवाज और मैं हूं आपके साथ अभिनव। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। विजयदशमी को लेकर सासाराम के गुरुवार का बाग गुरुद्वारा में चंडी चरित्र पाठ किया गया। वहीं गुरुद्वारा में आज राम अवतार पाठ भी किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय बीजेपी सांसद छेदी पासवान भी उपस्थित हुए। इस अवसर पर गुरुद्वारे में दीवान सजाए गए तथा सिख समुदाय के लोगों ने राम अवतार पाठ किया, साथ ही लंगर का भी आयोजन किया गया। बता दें कि हर साल पूरे नवरात्रि गुरुद्वारे में चंडी चरित्र पाठ का आयोजन होता है तथा विजयदशमी को राम अवतार पाठ का आयोजन किया जाता है। वही सिख धर्मावलंबी शबद कीर्तन भी करते हैं। नगर पूजा समिति के अध्यक्ष सरदार मानिक सिंह ने बताया कि सामाजिक सौहार्द तथा आपसी भाईचारा को कायम रखते हुए गुरुद्वारा द्वारा इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें स्थानीय लोग बढ़ चढ़कर भाग लिया। सासाराम से बिहार की आवाज संवाददाता हरिओम चौबे की रिपोर्ट। गुरुद्वारे के परंपरा के अनुसार हर वर्ष विजयदशमी के अवसर पे नवरात्र प्रारंभ से विजयदशमी तक चंडी चरित्र जी का पाठ होता है और उसके अलावा आज विजयदशमी के रोज विशेष रूप से राम अवतार का पाठ संपन्न किया जाता है। जो आज चंडी चरित्र के पाठ के बाद राम अवतार के पाठ भी संपन्न हुए हैं। इस अवसर पे दीवान सजाया जाता है, लंगर का कार्यक्रम पूरे दशहरा भर चलता है। समापन के अवसर पर आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे क्षेत्र के माननीय सांसद श्री छेदी पासवान जी, शहर के वाइस चेयरमैन विजय महतो जी, वैश्य पंथर के अध्यक्ष संजय वैश्य जी इत्यादि सारे लोग उपस्थित हैं। सासाराम सिख नौजवान सभा की ओर से सबका स्वागत किया जा रहा है। यह आयोजन मुख्य रूप से आज सासाराम सिख नौजवान सभा के नौजवानों के द्वारा किया गया है, जो शहर के तरक्की के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं, शहर के विकास के कार्य में लगे हुए हैं। हम उनको गुरुद्वारा की ओर से बधाई भी अर्पित करते हैं। माननीय सांसद जी से का ध्यान मुख्य रूप से इस क्षेत्र में व्याप्त गंदगी की ओर आकर्षित करना है, चूँकि इस क्षेत्र में शहर की आधी आबादी का शमशान है। जाने वाले तो लोगों के कंधे पे जाते हैं, लेकिन जो लोग पहुंचाने जाते हैं इतना कष्ट झेलते हैं, इस गंदगी में इतनी परेशानी होती है, उसी की ओर माननीय सांसद जी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सड़क बनाने का और सफाई कराने का, लाइटिंग व्यवस्था का अनुरोध करना है। साथ ही साथ माननीय सांसद ने बुद्ध पूर्णिमा का ठहराव के लिए पटना साहिब के स्टेशन पर जो प्रस्ताव दिया है, हम उनके लिए उसके लिए उनको बधाई प्रेषित करते हुए उनसे मांग करेंगे कि जल्दी से जल्दी ठहराव सुनिश्चित किया जाए। और इस अवसर पे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी टकसाल संगत की ओर से उपस्थित सारे लोगों का, सारे संगत का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और विजयादशमी की हार्दिक बधाई अर्पित करते हैं। माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि सारे लोग खुशहाल रहें, जीवन की हर खुशियाँ उन्हें प्राप्त हो, तरक्की करें, आगे बढ़ें और धार्मिक कार्यों में, धर्म के कामों में रुचि लेते रहें। धन्यवाद। दशहरे के दीवान की समाप्ति आनंद क्यों का रात रक्ष पर भर भरिया समझना।